हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 हिंदी डब फिल्मों के बारे में। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों को लिया है, साथ ही कुछ टीवी सीरीज को भी कंटिन्यू किया। सो गाइस, इन फिल्मों में से जो भी फिल्म रिमूव हो जाए तो आप मुझसे उस फिल्म का लिंक इंस्टाग्राम पर मांग सकते हो, मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है मेरी फेवरेट मूवी में से एक लॉगन। दोस्तों, मूवी 2017 में एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 17 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको एक्समैन म्यूटेंट लॉगन की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो इस फिल्म में मैं आपको बता दूँ, लॉगन की डेथ भी हो जाती है। तो अब लॉगन की डेथ क्यों होती है जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैंने आपको पहले भी दिया था, तो अब दोबारा से दे रहा हूँ, तो जाकर देख लेना। लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है दी बॉयज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज के एपिसोड 6 और एपिसोड 7 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके बाकी के एपिसोड के लिंक मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे दिए हैं। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है मनी हाइस्ट। आज की इस वीडियो में आपको इस टॉप सीरीज के सीजन 4 के एपिसोड 4 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाजू। दोस्तों, मूवी 2019 में एक फैमिली एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 44 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.6 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको टिम की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे रियल वर्ल्ड में एक पिकाजू मिलता है और वो उसके साथ टीम अप करके अपने फादर के अधूरे काम को पूरा करता है, तो वो उसे कर पाता नहीं। ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है टावर हाइस्ट। दोस्तों, ये मूवी 2011 में आई थी, कॉमेडी क्राइम मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 44 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.2 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में एक ग्रुप एक वेल्थी बिजनेसमैन के घोटाले का शिकार बन जाते हैं, तो वो बदला लेने की सोचते हैं और उस बिजनेसमैन के घर पर डकैती गिरने का प्लान बनाते हैं। तो अगर आपको हाइस्ट रिलेटेड फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना। फिल्म का यूट्यूब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है ट्वाइलाइट। दोस्तों, मूवी 2008 में एक रोमांस फैंटेसी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 2 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, ट्वाइलाइट एक फिल्म सीरीज है और ये इस फिल्म सीरीज का फर्स्ट पार्ट और इस फिल्म सीरीज के सेकंड पार्ट का लिंक मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया था। तो फिल्म के बारे में बता दूं, अगर आपको रोमांस के साथ एक वैम्पायर मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को जरूर देखना, मेरी फेवरेट फिल्म सीरीज में से एक है। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है ए नाइस गर्ल लाइक यू। दोस्तों, मूवी 2020 में एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 34 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको लूसी और ग्रैंड की स्टोरी देखने को मिलेगी। सो अगर आपको एक रोमांस के साथ कॉमेडी मूवी भी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। मूवी आपको प्राइम वीडियो पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है एम्पायर स्टेट। दोस्तों, मूवी 2013 में एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 34 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको क्रिस की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है, लेकिन बाद में वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फोर्स को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन चीजें एक अलग मोड लेती हैं जब उन दोनों को पीछा एक डिटेक्टिव करता है। तो अब फिल्म में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आपको रॉक जैसे सेलिब्रिटी देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है हेल बाउंड। गाइस, ये एक टीवी सीरीज है और 2021 की एक हिट सीरीज रही है। तो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल टीवी सीरीज है। अगर आपने स्क्विड गेम देखी है तो आप इस सीरीज को भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये भी उतनी ही अच्छी है। और इस सीरीज की अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो आप मेरे सेकेंड चैनल से देख सकते हो, नॉन स्टॉप एक्सप्लेन, और उस चैनल का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सर, ये सीरीज आपको यूट्यूब पर तो
तो मिलेगी नहीं उसके लिए सॉरी, लेकिन इस सीरीज़ के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड हैं और हिंदी में भी अवेलेबल है। लिस्ट में पहले नंबर पर आती है दी मैग दोस्तों मूवी 2018 में एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 53 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस इस फिल्म में आपको रिसर्च फैसिलिटी के कुछ मेंबर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी, तो वो प्रॉब्लम में तब पड़ जाते हैं जो उनके सामने 75 फुट लंबी शार्क आ जाती है। अब जोनास उनको कैसे बचाता है जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो मूवी का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको शार्क से रिलेटेड फिल्म देखनी है या फिर आपको साइंस फिक्शन मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सीरीज को और मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल।